हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आईटी एकेडमिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग ओवरहैंगिंग बीम में सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट मैं सजेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो जब वॉच कर रहे हैं तो साथ में कॉपी पेन और कैलकुलेटर लेके बैठिए, सो दैट कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यू कैन सी द पिक्चर गिवन, दिस इज अ बीम एंड सपोर्टेड ऑन टू सपोर्ट्स, वन इज हिंज एंड अदर इज रोलर सपोर्ट। और उसके बाद में उसमें एक लोड लग रहा है 4 किलोन्यूटन, दूसरा 4 किलोन्यूटन का 30 डिग्री के ओरिएंटेशन इंक्लाइंट पे लगा हुआ है, तीसरा जो लोड है वो 5 किलोन्यूटन का है, इस सपोर्ट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है एंड ये सपोर्ट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से ओवर हैंगिंग है जो बाहर की तरफ निकले हुए। तो सबसे पहला काम है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। सो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है हमारा, अगर हम लोग इस बीम को देखें ध्यान से। ओके, सो फ्री बॉडी डायग्राम आई कैन प्लॉट लाइक दिस। फ्री बॉडी डायग्राम में सारे के सारे फोर्सेस हम लोगों को शो करने होते हैं। तो अगर ये हिंज है तो यहाँ पे हिंज पे एक रिएक्शन ऐसे आएगा, यहाँ पे ये रोलर है तो एक रिएक्शन इस तरीके से आ जाएगा। ओके, सो ये एक बीम हमने बनाई फ्री बॉडी डायग्राम में और यहाँ पे एक रिएक्शन आया, यहाँ पे एक दूसरा रिएक्शन आया, वर्टिकल रिएक्शन आएगा यहाँ पे और साथ में ये हिंज है और इसमें हॉरिजॉन्टल लोड भी लग रहा है, तो एक रिएक्शन इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आ जाएगा, वो इधर से होगा इधर से होगा। सपोज लेट्स से दिस इज द एज्यूम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन लाइक दिस। ओके, तो इस तरीके से आपको रिएक्शंस दिखाई देंगे, यहाँ पे 2 रिएक्शन इधर आ जाएंगे और एक रिएक्शन यहाँ पे लोड एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे जो भी आपका 30 डिग्री पे जो लोड लग रहा है। ओके, तो ये 4 किलो न्यूटन है 30 डिग्री पे और ये लोड है हमारा 5 किलो न्यूटन का। तो इस तरीके से इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हो चुका है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग सारे के सारे फोर्सेस शो करते हैं, वेदर दे आर सपोर्ट रिएक्शंस और दे आर एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। इवन अगर जॉइंट है, जॉइंट को हम अलग कर रहे हैं तो हम लोग इंटरनल फोर्सेज भी शो करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब मैं सबसे पहली इक्वेशन लिखूंगा, वो जो हम लोग स्टार्टिंग से लिखते हुए रहे हैं, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो करेंगे, हमें मिल जाएगा समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो करते हुए आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू फोर प्लस प्लस, क्योंकि हम लोगों ने अपवर्ड फोर्सेज जो सपोर्ट रिएक्शंस आ रही हैं उसको हमने पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेज को हमने नेगेटिव मान लिया, तो 4 और 4 sin 30 + 5 = 11। ओके, ये तीनों फोर्सेज को हमने ऐड किया, इसको हम जब लेंगे तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। 4 किलोन्यूटन का जो फोर्स है वो अपने आप में 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस तरीके से लगेगा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट 4 sin 30 हो जाएगा, sin 30 1/2, सो 4 sin 30 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग अब इसके जब कंपोनेंट लेंगे तो दोनों कंपोनेंट, ये जो फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ये जो ये कंपोनेंट हो जाएगा 4 sin 30। ओके, एंड ये हो जाएगा 4 cos 30। ओके, तो 4 cos 30 बेसिकली इसको बैलेंस करेगा। ओके, तो ये हुआ हमारा, हमारे पास में आ गया आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 11। नाउ अब हम लोगों को मोमेंट लेना है, मोमेंट हम जब ए पे लेंगे तो हमें आर ए आर बी निकालने के लिए मोमेंट लिखना सफिशियंट है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ए पे भी ले सकते हैं, बी पे भी ले सकते हैं। तो ए पे अगर मोमेंट लिया हमने तो आर बी, ए पे मोमेंट लिया तो आर बी इंटू 6, तो आर बी अगर आपने ये वाली डायरेक्शन को, ये मतलब इसको आपने क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना और क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना, तो ये हो जाएगा कितना, आर बी इंटू सिक्स, यहाँ पे आपने लिखा आर बी इंटू 6। ओके, नाउ अभी आर बी इंटू 6 पॉजिटिव आ गया, उसके बाद में ये जो है 4 किलोन्यूटन का फोर्स ये भी यहाँ पे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ही सेंस दे रहा है, जैसा इसका था वैसा ही इसका भी सेंस आएगा, तो ये भी यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कैसा रोटेशन दे रहा है, इसके जैसा दे रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो 4 × 1 यहाँ पे ये आ गया। फोर्स एंड डिस्टेंस, मूवमेंट होता है फोर्स एंड डिस्टेंस, ये फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला फोर्स एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ आई कंसीडर दिस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट एंड ये इसको वापस क्लॉकवाइज सेंस देगा, तो ये फोर्स अब इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 हुआ, तो वो 3 आ गया। उसके बाद में 5 फोर्स और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 हो गया, क्योंकि ये 5 और ये भी इसके जैसा क्लॉकवाइज दे रहा है, तो नेगेटिव 5 × 8। तो इस तरीके से जब हमने देखा तो हमारे पास में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आर बी इज इक्वल टू 7,
आ चुका है, इसको हमने सॉल्व किया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए आई कैन राइट हियर आर ए इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन, करेक्ट, इतना आपको क्लियर है। सो नाउ एच ए पे जब हम लोग एफ एक्स समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के सारे फोर्सेस जीरो कर रहे हैं, तो लेट से साइन कन्वेंशन आर लाइक एस फॉलो। सो ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हो गया, तो अगर ये पॉजिटिव है तो हमने जो फोर्स यहाँ पे एज्यूम किया है वो फोर्स इस तरीके से लगेगा यहाँ पे एच ए पे, ओके, जैसे आपने इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखा, ये आपने एज्यूम कर लिया, तो ये आपका एज्यूम्ड एच ए है और ये आर ए था, या फिर इसको जो भी हमारा साइन लिया हमने, ओके, जो सिंबल लिया है वो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हुआ हमारा एच ए इज इक्वल टू 3.46 किलो न्यूटन, लाइक दैट एच ए प्लस दोनों फोर्सेस पॉजिटिव जा रहे हैं, इसका जो कंपोनेंट है वो भी इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये रिएक्शन आपने लिया है वो भी इसी डायरेक्शन में लिया है, तो आपने एज्यूम किया है, बेसिकली अगर आपने एज्यूम किया उसका अपोजिट आ रहा है तो अपोजिट हो जाएगा। तो एच ए प्लस 4 cos 30 इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू दिस इज। सो इस तरीके से हम लोग ये इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड शेयर, सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।